हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। आज आपको पता है भाई साहब, बहुत दिन बाद में चला रहा हूँ टोरू। आपने लास्ट व्लॉग देखा था संडे राइड का। संडे राइड पे ना गाइज, माइक की हालत एकदम खराब थी, मैं एडिट नहीं कर पा रहा था वीडियो। फिर मुझे लगा यार नहीं, एडिट करके दे देना चाहिए थोड़ा बहुत करेक्शन करके ऑडियो में, क्योंकि यार बहुत मेहनत से वीडियो बनाया था और बहुत प्यारी लोकेशन थी, तो दोबारा पता नहीं था उधर जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो इसलिए मैं सोचा कि चलो उसको वीडियो को अपलोड कर देता हूँ। बाकी गाइज, अभी चल रहे हम लोग रिंग रोड की साइड और आज हम लोग बात करने वाले इसके बारे में, टोरुक के बारे में, इसमें क्या क्या मोड किए गए हैं, कैसे कैसे मॉडिफिकेशन हुआ, कितना खर्चा है, रैपिंग कहाँ हुई है, पेंट कहाँ हुआ है, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। क्या बात है भाई, एक नंबर, लाजवाब। भगाएगा, देखते भगा रहा, भगा रहा है, भगाओ भगाओ। हाँ ओके ओके, भगाओ भाई। R15 का यही है, देखो मैं 107 चल रहा हूँ भाई, वो 124 चल रही है। चीटिंग करता है तू। अरे कितना स्पीड है, मीटर एरर है। मैं 120-23 चल रहा हूँ, वो 138 चल रही है। ये यामा वाले ना भाई बेवकूफ तो बनाते हैं सच में, स्पीड दिखाते लोगों को, स्पीड से पता चलता है कि भाई ओ स्पीड तो आ ही रही है हमारी गाड़ी में। तो चलो अब देखो कितने आ गए, अब चेक करो। ये क्या है भाई, ये क्या सीन है यहाँ, यहाँ ये क्या सीन हो रखा, पूरी ट्रक ही ट्रक खड़ा। अरे 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 भैंस की आंख ऐसे मत मुड़, पीछे भी देख ले भाई, दो दो शीशे तो लगा रखे, दो दो आंखें और खोल ले अपनी भट्टा सी। देख दूसरी साइड रहा है, मुड़ इधर की तरफ रहा है, हद हो गई बिल्कुल, बेवकूफ हो रखी है पब्लिक पूरी। और ये पूरा बंद कर रखा भाई, ये पूरा बंद कर रखा, इस पे नहीं जा पाएंगे क्या? जाएंगे जाएंगे। गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं भाई अपने फ्लाईओवर पे, पुराने वाले आसापुर वाले पे। अभी है ना सुबह सुबह, इधर पुलिस का कुछ सीन होता नहीं है। ओके गाइज, ये है आपके सामने खड़ी हुई है टोरू, कंप्लीट फुल्ली चेंज है भाई, ऐसा कलर इसका था ही नहीं, आप सबको देखा होगा, आप सबने देखा होगा ऑलरेडी, ऑरेंज कलर था इसका, ऑरेंज और व्हाइट। ये BS4 मॉडल है, 2017 मॉडल है गाइस ये। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने जो ना ये वाले स्टिकर इसके टंकी के उखड़वा दिए पूरे, जो अंदर ड्यूक लिखा होता है ना वो मैंने उखड़वा दिए पूरे, उसके ऊपर ये कलर, ये वाली जो है ये मैंने रैप कराई है। देखो यहाँ आपको दिख रही होगी थोड़ी सी, ऑरेंज दिख रहा है यहाँ से, ये मैंने रैप कराई है। ये स्टिकर मैंने खुद डिज़ाइन किया था, सुपर ड्यूक जो आती है 1290 उसका, ठीक है, यहाँ 390 से अपने अकॉर्डिंग मोड लिखवा दिए फॉन्ट वगैरह। अभी ये कंप्लीट नहीं है एक्चुअली, आप कंप्लीट करा सकते हैं, यहाँ पर डिज़ाइन करा सकते हैं, यहाँ पे चैनल वगैरह का नाम लिखा सकते हैं, लेकिन मुझे इतना ही प्यारा लग रहा था मैंने इतना ही छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे इस एंगल से चेक करेंगे बहुत प्यारा लुक आता है। बाकी अभी X3 किट आएगी तो एक और मॉडिफिकेशन की वीडियो दूंगा। ये वाला जो पार्ट है, ये मैंने पीछे का जो चेचिस पूरा मैंने पेंट कराया, ये वाला पेंट है, ये वाला भी पेंट है, यहाँ मैंने अपना नाम डला दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आप लोग सोचते होंगे कि भाई चेचिस पे पेंट कराएंगे तो पूरी गाड़ी के पार्ट खोलने पड़ेंगे, अंदर सही से पैक कराओ, न्यूज़पेपर लगवाओ और स्प्रे पेंट लगवा दो। ये देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है, आपको कहीं से पता नहीं चल रहा होगा। ये टेल सेक्शन मैंने पूरा मैट ब्लैक करा दिया, ये मैट ब्लैक है, पीछे से जो ना वो टिंटेड ब्लैक है, ठीक है गाइस। ये देखो यहाँ पे मैंने बाइक का नाम लिखा है, बाकी ऊपर से अभी गाड़ी एकदम स्टॉक है। यहाँ चैनल का नाम तो वो आपको पता ही, आपने ब्लॉग देखा ही है भाई, किसी ने छुटा लिया। आगे वाला व्हील मैंने पेंट कराया है, ठीक है, और पीछे वाला व्हील भी मैंने ब्लैक पेंट कराया है, दोनों व्हील ऑरेंज थे। और उसके बाद में आती है हेडलैम्प, हेडलैम्प पे मैंने ये ऑरेंज थे ये ब्लैक कराए हैं, और इस पे मैंने DRL पे सिर्फ नियोन कलर की पट्टी लगवा दी है, और ये वाला जो है टिंटेड ब्लैक कराया है, क्योंकि अभी मेरे पास फॉग लैंप नहीं थे जो मैं यहाँ लगवा दूँ, मुझे लाइट भी चाहिए थी, रात रात में चलना पड़ता है। ये मैंने कार्बन फाइबर फिनिश करा दिया, तो ये बहुत प्यारा लग रहा है, छोटा सा पार्ट है तो भाई लगता है कि हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव गाड़ी है, ऐसे है तो नहीं आप सबको पता ही है। बाकी अब मैं इसका आपको प्राइसिंग बता देता हूँ गाइस, इसका रैपिंग का जो प्राइस है ना, रैपिंग का प्राइस मुझे पड़ा है अप्रोक्स 3000 रुपये, लेकिन आप किसी सही से रैप कराना, क्योंकि देखो ये यहाँ से निकल रहा है, पीछे पूरा ऑरेंज दिख रहा है, समझ रहे हो, तो आप किसी अच्छे से कराना। इस पर गाइस मुझे दोबारा से रैप करानी पड़ेगी एक बार, बट आप अच्छे से कराओगे उसका भी यही प्राइस लगने वाला है। ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये दोनों पैनल हैं, पूरा स्टिकरिंग वर्क है जितना भी है, पीछे का ये है, ये है, इस पर लेमिनेशन थी और नाम लिखा हुआ था, ये प्रॉपर मुझे सारा पड़ा था गाइस 3000 रुपये में। और जो पेंट है, पेंट मुझे सस्ता पड़ा था, 350 रुपये का मैंने पेंट बनवाया था, ये वाला करने के पेंट वाले ले लिए थे 1200 रुपये के आसपास, तो 1500 रुपये इसका पेंट का मान के चलो, 1500 रुपये में मेरी बाइक जो है डन हो गई थी, 3500 रुपये, 3000 रुपये वो,
तो मान के चलो कि 4,500-5,000 रुपये में ये कंप्लीट बाइक आपको ऐसी दिखेगी भाई। ये चीज़ आती है, ये तो इसमें प्रिंस गोल्ड था, बाकी आप लोग लगवाएंगे तो 2-3-4 हज़ार रुपये का आएगा, मार्केट से आप उठा सकते हैं। अभी मैं आपको एक बार वॉक अराउंड दे देता हूँ, देखो बाइक कुछ कैसी लग रही है। तो ये कंप्लीट मॉडिफिकेशन टोरुक की, तो टोरुक भाई साहब 5,000 के अंडर में हमने करवा दी कंप्लीट, 4,000 आप मान के चलो, है ना। मैं थोड़ी बहुत थैंक भी देता हूँ ब्लॉग में, समझो बात को। बस ये है कंप्लीट आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और एक कमेंट टोरुक के लिए कर दो भाई, कितनी प्यारी लग रही है गाड़ी। मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक अपने ध्यान रखो, मस्त रहो, चुस्त रहो, खाते रहो, पीते रहो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।